हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉट्स। मैं आकाश सावकारे अपनी नई सीरीज एड्यूशाला में लेकर आया हूं ज्ञान 4K PTZ कैमरा का। तो बेसिकली ये जो कैमरा मार्केट में बहुत फेमस है, आप जैसे बहुत सारे टीचर्स क्रिएटर्स ने इसे बाय किया है, बट इसकी सेटिंग करके वो आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि अभी मेरे आउटपुट को आप देख रहे हो। तो आपको मैं बताने वाला हूं एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सेटिंग। हाँ, इस वीडियो के माध्यम से जो EduPro C412HUL कैमरा है, मैं इसकी प्राइस बताऊंगा, कौन सी कंपनी का आपको लेना है, क्या डिफरेंस है, कैसे कंपनी आपको ये महंगे में चिपका के चली जाती है, उन सब चीजों से बचाऊंगा। बट हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैमरा बाय कर लिया है तो भी इस वीडियो को देखिए, सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैमरा नहीं बाय किया, प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख ही लीजिए, क्या क्या आता है, कैसे सेटिंग होती है, क्या आउटपुट होता है, हर एक चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आप तक पहुंचाऊंगा। यार आगे बढ़ू मैं, उससे पहले आपको एक बात बताता हूं। आपके मन में भी क्वेश्चन होगा ना कि यार कौन सी कंपनी का कैमरा ले, तो मैं आपको बता दूं, ये है हमारा HD कैमरा, ये हमारा है 4K PTZ कैमरा, और इन कैमरा में किसी भी कंपनी का कोई फर्क है ही नहीं, ना क्वालिटी का फर्क है। अगर एक भी पर्सन ये बात बोल दे कि इस लोगों के अलावा कोई फर्क है, तो मैं भाई साहब ये काम करना छोड़ दूंगा। देखो ये दोनों कैमरा, थोड़ा सा रोहित भाई जूम हो सकता है क्या? ठीक है, फिक्स लेंस है पर ठीक है, आगे पास में आ गए। ये दोनों ही कैमरा बिल्कुल हूबहू है, कंपनी अलग अलग है बस। देख लो, आप टर्न करके देख लो, पीछे के पोर्ट देख लो, सब कुछ देख लो, सारी चीजें सेम है, नाम हटाया हुआ है मैंने। और ऐसे ही 4K की कहानी यार, क्या अलग, कुछ अलग नहीं है, सब सेम है, बस से डिफरेंस है। तो क्या इसकी प्राइस इन्होंने बढ़ा रखी है, हमने घटा रखी है, और कोई नहीं। तो चलिए समय नहीं लेते हैं, सबसे पहले जानते हैं इस कैमरे के अंदर आता क्या है, अनबॉक्सिंग ऑफ दिस कैमरा। तो देखिए, बॉक्स में से निकालने के बाद में ये कैमरा ऐसे निकालो बढ़िया से, और आपको ये ब्रांड न्यू PTZ कैमरा मिलेगा ऐसा, राइट। ये कैमरे में सबसे पहले आप इसका लेंस का कवर निकालो, इस कवर को संभाल के रखा जाए, जब रिकॉर्डिंग होगी तब लेंस निकलेगा ये कवर, अदरवाइज ये लेंस हमेशा कवर्ड ही होना चाहिए, प्यार का ध्यान रखिएगा। अब इसमें सबसे पहले हम समझते हैं ये पोर्ट्स के बारे में। तो ये पोर्ट आपको सारे मिलते हैं, इसमें एक USB पोर्ट है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप माइक इन पोर्ट है, HDMI आउट पोर्ट है, और फिर ईथरनेट पोर्ट है। तो ये कैमरा के अंदर बहुत सारे पोर्ट है, पर आपके क्या काम के वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमको एक साथ में मिलता है ये पावर केबल, सिंपली आप इसको इससे कनेक्ट करिएगा, और यहाँ पे ऐसे, ये देखिए ऐसे, यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट करा और इसको लगा दिया आपने अपने पावर वाले इसमें, और यहाँ पर आपने कनेक्ट किया DC 12 वोल्ट का, यहाँ पर कनेक्ट करा और आपका कैमरा हो गया यहाँ से लेंस का कवर हटा के ऑन। और बाय डिफॉल्ट ये स्विच आप जो देख रहे हो ना, ये स्विच देखिएगा, बाय डिफॉल्ट ये स्विच देख रहे हो ये ऑफ होता है, इसको यहीं से ऑन ऑफ करिएगा, पहले इसको ऑफ रखिएगा और फिर यहाँ पे पावर कनेक्ट कर दीजिएगा। पावर हमेशा कनेक्ट रहे, चालू रहे, कोई दिक्कत नहीं, पर ये हमेशा ऑफ रहना चाहिए, जब पढ़ाना है तभी इसको ऑन करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही मैं इसको ऑन पे क्लिक करता हूँ तो ये कैमरा हमारा ये ऑन हो गया कैमरा, देखिए ये कैमरा ऐसे ऑन हो जाता है, पूरा घूमता है और फिर सामने ऐसे रख दिया जाता है। अब दूसरी केबल जो है, ये केबल काम की केबल है, ये देखिए इस केबल में आपको क्या करना है, इस केबल को एक सिरा आपको लगाना है आपके ये लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप में 3.0 वाला जो पोर्ट है उसमें लगाइएगा, ये मैंने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरा वाला है इसको बड़ी सावधानी के साथ में इसमें लगा दिया, और अब इसको आपने पूरा सेटअप बिल्ड कर लिया है ना। और ये इसी तरीके की बेसिक, इतनी इजी कनेक्टिविटी होती है लैपटॉप के साथ में। इसी के साथ आपको ये मिलती है केबल, है ना, ये केबल का यूज़ नहीं है आपको अभी, इसको साइड करिएगा, ओपन भी मत करिएगा। तो देखो ये रिमोट के साथ में इस कैमरे की अच्छी खासी कनेक्टिविटी थी, लेफ्ट राइट जहाँ जहाँ आप मोड़ना चाहे, जो जो आप करना चाहे इजीली इस कैमरे के साथ में इस रिमोट से आप कर सकते हैं। तो ये था बिल्कुल कनेक्टिविटी का बेसिक सेटअप। देखिए अनबॉक्सिंग का दूसरा पार्ट मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें तो इस कैमरे में आती है, कुछ आपको बाय करनी होती है, क्या चीज़ें बाय करनी होती है उसे भी समझ लेते हैं। देखिए मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता,
अब होता क्या है, जब इस कैमरे को हम ऐसे टांग देते हैं ऊपर और हमारा सिस्टम कुछ 5-6 मीटर 7 मीटर दूर हो जाता है, तो उस केस में जो इस कैमरे के साथ में केबल आती है वो छोटी पड़ जाती है। अब मैं इस कैमरे को बढ़ा के थोड़ी सी केबल भी दे दूं तब भी वो डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, तो इसके लिए आपको एक अच्छी केबल की जरूरत होती है। केबल भी हम ब्रांडेड यूज करना क्यों जरूरी है भाई साहब, कैमरा 4K लिया है यार, अगर केबल खराब हो गई तो क्वालिटी वैसे ही डिग्रेड हो जानी है, तो ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर ज्यादा दूर रखना है कैमरा तो आपको एक अच्छी सी ये केबल लेनी चाहिए। ये केबल की कॉस्ट कुछ आप मान के चलो 3,000-3,200 की कॉस्ट आती है, पर ये आपको लिटरली एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, आपका सिस्टम दूर भी हो तो चलता है, तो केबल भी आपको एक्स्ट्राज में लेना पड़ सकती है। अनबॉक्सिंग समझने के बाद में इस कैमरे की फिजिकल इंस्टॉलेशन को भी समझना पड़ेगा। लोग अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं पर टीचर को कहीं भी चिपका के लगा के चले जाते हैं, वो नहीं करना। हम टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे कैसे इंस्टॉलेशन होनी चाहिए इस कैमरे की राइट वे में, और जो सर्विस वाले लोग देख रहे हैं वो भी देख लो भाई, कम से कम इंस्टॉलेशन ठीक से करवाओ ताकि टीचर वो आउटपुट निकाल पाए। तो देखिए अब इस कैमरे को लगाया कैसे जाए, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाए। तो देखिए अगर आपका रूम डेडिकेटेडली स्टूडियो है, आप सिंपली इसको वॉल पे नहीं लगाना चाहते हो, तो इस टाइप के ट्राइपॉड आप खरीदें मार्केट में और इसको डायरेक्टली ऐसे रख के लगा लीजिए। बट मैं इस तरीके को प्रेफर कम करता हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड पे लगाना बार बार झंझट है, इधर उधर टकरा जाना, ये सब नहीं होना चाहिए। स्पेशली हाइब्रिड सेटअप और जो लाइव वाले स्टूडियो उसमें तो नहीं यूज़ करना चाहिए, ट्राइपॉड नहीं यूज़ करें। फिर आता है दूसरा ऑप्शन, इस टाइप की ट्रे आती है, इस ट्रे पे आप ऐसा फिक्स कर लीजिए और इसको अपनी अपोजिट जहाँ पैनल या व्हाइट बोर्ड लगा है उसके अपोजिट वॉल में जाके इसको ऐसा टाइट कर लीजिए। बट मैं आपको बताऊँ कि अगर आप इस कैमरे को बहुत ज़्यादा दूर रखोगे तो जो भी आपके एम्बियंस की लाइट है वो पूरी की पूरी आपके पैनल पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये जो सॉल्यूशन है सिर्फ इसको वॉल पे ऐसे लगा लेना, ये मैं सही नहीं मानता हूँ। तो सिर्फ ये स्टैंड किसी काम का नहीं है। तो फिर क्या अच्छी चीज़ है, तो देखो दो तरीके की चीज़ होते हैं जिसको हम मोनोपॉड कह लें, या फिर हम देखो ये सिंपेक्स का एक मोनोपॉड है। अब ये मोनोपॉड कैसा है, ये ऐसा हो गया और ये कैमरा इस पर ऐसा उल्टा लग जाता है इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे लग जाता है, ये ऐसा पूरा कैमरा ऐसे लग जाता है इस तरीके से, दिख रहा है आपको, ये ऐसा कैमरा लग जाता है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये इस टाइप के जो मोनोपॉड होते हैं इसका भी एक ड्रॉबैक है, कैमरे किसी भी चीज़ को उल्टा लगाना यार वो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि कोई दिक्कत आती नहीं है, पर उससे बचे, थोड़ा सा बचे। पहले मैंने भी कई जगह लगवाया है, कोई दिक्कत नहीं है, सालों से चल रहे, 3-4 साल से चल रहे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये मोनोपॉड भी मैं प्रिफर, पहले मैंने बहुत लगवाया है, पर मैं इसको अगर कहूँ कि लगाना चाहिए तो देखो जब भी बेटरमेंट आता है ना तो मैं बेटर ऑप्शन सजेस्ट करता हूँ। अब हमने क्या किया है, हमने ये हैवी, ये 5-7 किलो का ये पूरा बनवाया है, स्पेशली ये लग जाता है दीवार में इस तरीके से। और ये जो है ये कितना लंबा हो जाता है तो मैं आपको बता दूँ कि ये कम से कम मेरी हाइट से ज़्यादा हो जाएगा, 9 फीट से ज़्यादा हो जाता है। तो ये ऊपर ये देखिए, इसको आप इतना कर सकते हो, है ना, इसको आप इतना कर सकते हो, मतलब आपकी अगर बहुत ज़्यादा हाइट वाली वॉल भी है तो आप इसको लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, तो इसमें ये रोल प्ले होता है कि यहाँ पे ऐसा नट इसमें हम कस लेते हैं पूरा इस तरीके से, ये हमारी छत पे फिक्स हो जाता है और इस ट्रे को हम इस पे लगा देते हैं, यहाँ पर ये ट्रे इस तरीके से यहाँ पे कस जाती है। और इस केस में आपका ये जो है कैमरा जो है, आप देखोगे कैमरा कुछ इस तरीके से रखा जाता है, ये इस तरीके से रखा था कैमरा, तो बिल्कुल जो कैमरा है वो सीधा रखा होता है, इसलिए ये हैवी सा कुछ, ये पूरा सेट 5500 का पड़ता है, ये 5500 का पड़ता है पूरा सेट, और इतना हैवी है, मतलब मैं इसको डिस्पैच करने की कॉस्ट भी इंक्लूड करके बता रहा हूँ, डिस्पैच करने के लिए 700 रुपये कॉस्ट इसकी आती है इसलिए। बट क्या है, हैवी है यार, इतना महंगा आप कैमरा लगा रहे हो और उसको हवा में टांग रहे हो स्टूडेंट्स के बीच में, तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ऐसे हैवी जो है इसको स्पेशली बनवाते हैं लोहार से, ये मार्केट में इजीली मिलता नहीं है, तो इसको कंपनी से बनवा के बुलवाया जाता है, ये बेटर ऑप्शन है। तो मेरा मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन ये है, सिंगल कैरेट भी नहीं, ये अगर बजट कम है तो फिर इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी
ट्राइपॉड अगर हमने रखा है तो फिर लगा लो डायरेक्टली स्टूडियो में। मैं यूजुअली ट्राइपॉड पे लगा के रखता हूं कि मुझे कैमरे बदलते रहना पड़ते हैं। कैमरा हमने लगा तो लिया, पर इस कैमरे को लगाने के बाद में इसे सेटिंग कैसे करनी है? देखिए भाई साहब, फिजिकल इंस्टॉलेशन लगाना ये बात अलग हो गई, ये कैमरा मैनुअली है। बिना सेटिंग अच्छे करे कैमरा अच्छा आउटपुट देगा ही नहीं। अगर मैं आपके हाथ में DSLR कैमरा पकड़ा दूं तो क्या आप फोटोग्राफर की तरह फोटो खींच पाएंगे? नहीं ना। उसी तरीके से सेटिंग समझना बहुत जरूरी है। बिना सेटिंग के कोई भी चीज आप सही नहीं चला पाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं OBS पर और OBS पे जाके इसकी सेटिंग आपको समझाता हूं। कोई भी चीज स्किप मत करिएगा, नहीं तो कुछ सेटिंग मिस होगी और क्वालिटी डिसमिस हो जाएगी। गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च करना है OBS डाउनलोड। OBS डाउनलोड करके पहला जो ऑप्शन मिलेगा उसी पे आप क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर जैसे मेरी विंडोज़ मशीन है, मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। अगर आपका मैक है तो मैक पे भी ऑप्शन आपको ये मिल जाता है और ये ऑटोमेटिकली मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये OBS डाउनलोड हो चुका है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, यस करना है एंड बेसिकली जैसे हम इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है, स्पेशली फॉर टीचर्स और क्रिएटर्स। लाइव जाना है, रिकॉर्ड करना है, हर वो चीज़ इस OBS सॉफ्टवेयर से हो सकती है। OBS सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में सीखने के लिए आप मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आप उस प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। बहुत ईजिली आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं OBS को ओपन कर लेता हूँ एंड आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग सेकेंडरी नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको एंड तो देखिए, अब सबसे पहले आपको सोर्स सेक्शन में जाना है, प्लस करना है और जाना है आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस पे। ओके करेंगे और यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन में सर्च करना है HD कैमरा। ये जो कैमरा आपका है वो HD कैमरा हमारा 4K PTZ कैमरा है एंड आप इसको ओके करेंगे। देखिए अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो उसको आपको चेंज करना है कस्टम में। ये बेसिकली टीचर यहाँ पर गलती करते हैं एंड इवन वेंडर भी यहाँ पर गलती करते हैं। और यहाँ पे आपको जो रिजोल्यूशन सेट कर लेना है 4K रिजोल्यूशन करना है। फाइल को आप देखोगे तो हाइएस्ट फ्रेम रेट सिलेक्ट कर लेना और ओके कर दीजिएगा। देखिए स्क्रीन बहुत बड़ी होकर आ गई है, आप इसको स्क्रॉल यहाँ से कोने से पकड़ कर इसको ऐसे आप छोटा कर सकते हैं और अपनी स्क्रीन पर इसको फिट टू स्क्रीन कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब थोड़ी बहुत आपको सेटिंग करना होगी तो मैं आपको पैनल पे ही सेटिंग करके दिखाता हूँ। अभी तो PTZ कैमरा मेरे सामने रखा हुआ है, मैं पैनल पे इसकी सेटिंग कराता हूँ और वहाँ पर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है उस बारे में भी बात करें। देखिए OBS से सेटिंग तो हो गई, अब बात करते हैं कैमरे के अंदर जाकर कैमरे के अंदर आप कैसे सेटिंग करेंगे। उस पर डिटेल में समझते हैं कि कैसे आप ब्राइटनेस सेट करें, कॉन्ट्रास्ट सेट करें, अपर्चर सेट करें, शटर स्पीड कैसी होनी चाहिए। छोटी सी बातें हैं, ज़्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से शब्दों में जैसे अभी आपको समझा रहा हूं वैसे ही समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने हमारा 4K PTZ कनेक्ट किया है। अब इसकी सेटिंग में हमें क्या-क्या ध्यान रखना है? सारी लाइट्स चालू करनी है, पैनल की लाइट्स ब्राइटेस्ट लाइट रखनी है। अभी ये जो कंडीशन है कि लाइट सामने से आ रही है, पीछे से भी आ रही है, हर जगह से आ रही है लाइट ऐसी आ रही है। अब हम क्या करेंगे तो सबसे पहले जैसे ही पैनल ऑन होता है, कैमरा ऑन होता है तो ये व्यू आता है और इस व्यू में हमको सबसे पहले एक जूम कर लेना है। तो ये जूम के ऑप्शन से हम लोग इसको प्रॉपर्ली जूम कर पाएंगे और एक बार जूम होने के बाद में आप ये देखेंगे कि जो हमारी फ्रेम फिट हो चुकी है और ये हल्का सा ब्लर होती है फिर एकदम फिक्स होती है। तो देखो अब मैं भी प्रॉपर दिख रहा हूँ और बैकग्राउंड प्रॉपर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको मैनुअल पे डाल देता हूँ ताकि ये ब्लर नहीं होगा। तो इसको मैंने मैनुअल पे डाल दिया। अब मैं कोई भी मूवमेंट करूँगा तो मेरी फ्रेम ब्लर नहीं होगी। सपोज मैनुअल करने के बाद में आपने फिर से जूम इन और जूम आउट किया तो आपका फ्रेम ब्लर हो जाएगा। तो आपको अगेन यहां पर आपको ऑटो प्रेस करना है, फिर थोड़ा वेट करना है, आपकी क्वालिटी पिक्चर पूरी प्रॉपर आ जाएगी। उसके बाद में फिर आपको मैनुअल फिर से प्रेस कर देना है। अब आप देखेंगे कि ये प्रॉपरली इस तरीके से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो ये सेटिंग आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आप क्वालिटी मेरी थोड़ी ठीक नहीं आ रही है तो मैं इसको ठीक करने के लिए क्या करूँगा, मेन्यू बटन प्रेस करूँगा और मेन्यू बटन प्रेस करते ही यहाँ पे मुझे एक्सपोजर, कलर, इमेज, PTZ, नॉइज रिडक्शन ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन सारे ऑप्शन को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको जाना है एक्सपोजर पे और ओके प्रेस करना है एंड इसके बाद में आपका जो मोड है मोड को कर देना है मैनुअल और मैनुअल पे करने के बाद में आपको आइरिस पे जाना है। अब देखो ये फ्लिकर आना स्टार्ट हो गया। अब आपके हिसाब से लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से आप इसको मैनेज करेंगे, इसको धीरे धीरे इससे आगे बढ़ाएंगे। तो एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद में अपनी लाइटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले शटर सेलेक्ट करना है। शटर जैसे अभी 1/125 है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा
और पीछे करूंगा, दोनों तरफ से करके देखूंगा कहां पर इसकी विजिबिलिटी प्रॉपर आ रही है। तो कोशिश करिएगा इसको 1/100 रखिएगा। अब आप शटर सेट कर ली है, अब इसके बाद फिर से आप बैक करेंगे। बैक करने के बाद में आप जाएंगे कलर के अंदर। अभी कलर मोड में आपको देखो क्या क्या ऑप्शन मिलता है। अभी बेसिकली ये कलर मोड है ऑटो पे। अब ऑटो पे देखो मुझे हल्का सा येलो फील हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसको जाके चेंज करूंगा। इनडोर में ऐसा दिख रहा है, मेरा स्टूडियो की कंडीशन के हिसाब से आउटडोर पे मेरा कलर टोन बड़ा रियलिस्टिक आता है, तो मैं आउटडोर पे जाना पसंद करता हूँ। अब इसके बाद में आप जाएंगे सैचुरेशन पे, और सैचुरेशन पे जाकर इसको कम करते चलेंगे, और कम इतना करना है आपको कि आपकी कलर टोन स्क्रीन टोन से आपको समझ में आ जाए कि आपका ओके है। एच यू ई पे और इसको जाकर सेट कर लेना है 6 कर लीजिएगा, और आपके कलर टोन के अकॉर्डिंग इसको सेट करिएगा। अगर आपका कलर डार्क है तो सैचुरेशन उसके अकॉर्डिंग सेट होता है, तो ये सैचुरेशन जो है ना 70 से 100 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। ये सेटिंग करने के बाद में अब आप कर लीजिएगा बैक। करने के बाद में आपको जाना है इमेज पर। इमेज पे जाने के बाद में अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। तो देखो इस सेटिंग में, इमेज की सेटिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नहीं करने, बट इन केस कभी ऐसा हो कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो काफी डार्क है और लाइट भी कम है, तो आप ये ल्यूमिनस को बढ़ाएंगे तो ये जो कैमरे की इंटरनल लाइट है ये थोड़ी आपको हेल्प आउट करती है। रेस्ट इसके बाद में आपको और ऐसी कोई सेटिंग नहीं करने की जरूरत पड़ती है। बट हाँ, अभी जैसे मेरा कैमरा सीधा लगा है, अगर आप ये कैमरा उल्टा लगाएंगे, जैसे कई बार ये कैमरा जैसा अभी ऐसा है ना, इसको उल्टा भी टांगना पड़ता है जब मोनोपॉड पे लगाते, तो उस केस में आपकी सेटिंग प्रॉपरली दिखे आपको जाना पड़ेगा इमेज के अंदर। और इमेज पे जाने के बाद में आप देखो ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो आपकी फ्रेम रोटेट होती जाएगी। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखो मेरी फ्रेम फ्लिप हो गई इस टाइप से, और वर्टिकल में बात करें तो ये ऊपर चली जाएगी और ये ऐसा हो गया। तो ये सेटिंग आपको बेसिकली करनी होती है। देखिए कैमरे की सेटिंग होने के बाद में ये जादूगर कैमरा आपको एक और ऑप्शन देता है फ्रेम अरेंजमेंट का। मतलब देखिए मेरा ये कहना है, टीचर क्रिएटर, ये कैमरा इसलिए बनाया गया है कि इस कैमरे को जब चाहे जहां चाहे जैसे आप यूज करो, और जब चाहोगे चालू किया तो सीधे वो बाय डिफॉल्ट वो सेटिंग आ गई। बार बार सेटिंग से चेंज वेंज नहीं करना, तो वो कैसे होता है मैं आपको वो बता देता हूं। अब पीटीजेड कैमरे की दूसरी खासियत मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आप मल्टीपल अराउंड 255 सीन सेट कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए एक हर टीचर की एक प्रॉब्लम क्या होती है, टीचर चाहता है कि जैसे ही मैं ऑन करूं मेरी सेटिंग पूरी प्रॉपर मेंटेन हो। कैसे होगी, इस कैमरे के थ्रू होगी। तो जैसे सपोज पहला फ्रेम मैंने ये मैच किया, तो देखो सबसे पहले आपको दबाना है प्रीसेट, प्रीसेट के बाद में प्रेस करना है 1, है ना, ये आपकी एक फ्रेम की लोकेशन सेट हो गई। अब दूसरी लोकेशन में क्या चाहता हूँ, अपने कैमरे को रोटेट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये रोहित भाई को कैप्चर कर ले और जूम कर लेते, तो ये रोहित भाई को कैप्चर करे ये फ्रेम, तो मैं ये चाहता हूँ। तो मैं अभी अगेन क्या करूँगा, प्रीसेट और प्रेस करूँगा 2, तो मेरे सेकेंड नंबर पर ये सेट हो गया। थर्ड फ्रेम में चाहता हूँ कि अब मेरे ये जो कैमरा है, ये दोनों जो कैमरा है ये दोनों पर चले जाए, तो अब मैं करूँगा प्रीसेट और 3। तो नाउ अब सी, अगर मैं 1 दबाता हूँ तो मेरा कैमरा यहाँ पे आएगा, 2 दबाता हूँ तो रोहित भाई के पास, और 3 दबाता हूँ तो कैमरा ऑटोमेटिकली जाता है मेरे कैमरे वाले डोमेन पे। तो ऐसे आप ऑटोमेटिकली मल्टीपल लोगों के साथ में ऐसी स्विचिंग और सेटिंग कर सकते हैं। मैं 1, 2, 3 प्रेस करता रहूँ और ये कैमरा ऑटोमेटिकली मूवमेंट करता रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप शायद बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, इस कैमरे की प्राइस क्या है। तो भाई साहब इस कैमरे की प्राइस आपको बता दूं, तो चलिए बता देता हूं। बेसिकली क्या है, इस कैमरे की प्राइस में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, भाई साहब आपको क्या जरूरत पड़ गई हार्डवेयर में आने की। तो ये कैमरे की प्राइस लोग बेचने लगे थे, बेचते हैं 95,000 में, बेचते हैं 1,05,000 रुपए में। यार मैं तो दुखी हो गया यार, फिर क्या था, मैंने बोला ये प्राइस इसकी है ही नहीं। तो प्राइस क्या है एक्चुअल में, तो प्राइस इसकी बहुत कम है, और मैं डायरेक्टली ओपनली वीडियो में नहीं बोलना चाहता ना बोलूंगा। तो आपको एक ही है कि प्राइस ये तो नहीं है, ये प्राइस जो भी बोलता है उससे तो बिल्कुल भी मत लीजिए। चाहे वो बोले कि मेरी सर्विस ऐसी, टीम बड़ी, अरे टीम का है कि बड़ी भाई साहब, आप टीम बड़ी दिखाते हो, टीम में अगर मैं बोलूं 60-70% तो सेल्स के बंदे यार। मैं आपको बिलीव करो, मेरे पास में सेल्स के 3 लोग हैं, सेटअप करने के लिए हमारे पास में 5 लोग हैं, इंस्टॉलेशन के लिए हमने 7 बड़ी कंपनियों से टाइप किया है जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी इंस्टॉलेशन करती है, डिस्पैच के लिए हमको जिस कंपनी से हम कैमरा लेते हैं वो डायरेक्टली डिस्पैच फैसिलिटी देती है, क्योंकि हम उनकी ब्रांड को भी प्रमोट कर रहे हैं, और वो कंपनी है इवोटा। इवोटा कंपनी के बारे में आपको बता दूं, तो ये एक लौती ऐसी कंपनी, हाँ ये कैमरे जो आपको दिखाए थे ना, ये कैमरे देखो, ये इवोटा कंपनी का ये वाला कैमरा है, और ये जो भी है सेम है, कोई बाल बराबर फर्क नहीं, बता चुका हूं पहले ही। बट हाँ, ये कंपनी एक लौती
मैक्सअप के साथ में एक ऐसी कंपनी है जो असेंबलिंग और सारा काम यहाँ पे करती है, तो भाई साहब ये डायरेक्टली डिस्पैच करते हैं, तो इनकी कंपनी में जितने लोग हैं वो भी हमारे टीम का ही पार्ट समझ सकते हो। अब बताओ टीम, अरे सर्विस मार्केटिंग टीम, अरे सर्विस सेल्स टीम थोड़ी देती है, गधो कैसे समझाए तुम्हें। सर्विस के लिए सेल्स टीम नहीं दिखानी होती, सर्विस के लिए दिखाने होते लोग, और मैं लोगों को दिखाना नहीं चाहता। आकाश साहु का मेरे वीडियो इटसेल्फ है कि मेरे यूजर खुद ही इस कैमरे को बिल्कुल खेल कूद के खत्म कर लेंगे। तो प्राइस और सर्विस आपको क्लियर होगी, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अब डिसीजन बना लिया होगा कि आपको कैमरा लेना है और कैमरा किससे लेना है। तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप फोन करिए, मैं आपको सर्विस दूंगा। बहुत सालों बाद आया, देर आए दुरुस्त आए, पर इस बार जो आए हैं 100% है कि टीचर कम्युनिटी को सही प्राइस में सही चीज सही सर्विस के साथ प्रोवाइड करेंगे, इस प्रॉमिस के साथ आए हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।